Hey guys, welcome back to my channel. This is Vishali और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक रिव्यू. और ये जो रिव्यू है वो है एक चारकोल जेल पील ऑफ मास्क का, जिसकी पैकेजिंग कुछ इस तरीके की है. जो ये कुछ ऐसी सी पैकेजिंग आएगी और आज मैं देखती हूँ कि ये ट्राई करने में कैसा है. आई एम यूजिंग इट एट अ वेरी फर्स्ट टाइम. और इसको यूज़ करने से पहले सबसे पहले हमें अपने फेस को करना पड़ेगा क्लीन, जो मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है. और इसके बाद मैं अपने फेस को वेट टॉवल से गर्म पानी में वेट करके उसको अपने फेस में लगा दूँगी. इससे क्या होगा कि आपके फेस के जितने भी क्लोज पोर्स होंगे वो सारे के सारे ओपन हो जाएंगे. एंड देन आप इसको जब यूज़ करेंगे, जब आप इसको पील ऑफ करेंगे, तो आपका जो ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स होंगे वो बहुत ही ईजिली निकल जाएंगे. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आपको इसकी पैकेजिंग दिखा दूँ. ये ऐसी है और तो ऐसे कट करना है. और इसके अंदर से ये एक्चुअली ये सील वाला है, लाइक ऐसे बंद हो जाता है, ऐसे खुल जाता है. तो इसमें क्या क्या चीज़ें, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ. ये है एंटी ब्लैक हेड जेल मास्क फॉर सॉफ्ट एंड स्मूथ स्किन. और इसमें लिखा हुआ है कि आपको जब भी इस्तेमाल करना है तो इससे पहले आपने अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेना है. आपके फेस में कोई भी डर्ट नहीं होनी चाहिए. और इसका काम क्या है, ये करता आपके फेस में जितने भी ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स होंगे, डस्ट होगी, सबको रिमूव कर देगा. आपके पोर्स जो होंगे, ओपन पोर्स होंगे, उनको बंद कर देगा. अनवांटेड टॉक्सिन्स जो आपकी फेस पे होंगे आपके, वो निकाल देगा. तो इससे पहले मैंने दूसरा कोई चारकोल फेस मास्क तो यूज़ करा हुआ है, बट ये मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि लॉकडाउन में मुझे जो मिला मैं वो उठा के ले आई. सो लेट्स सी कि ये कैसे वर्क करता है. चलिए स्टार्ट करते हैं. सो ये मैंने ले लिया है टॉवल, और ये टॉवल को मैंने थोड़ा सा गर्म पानी में रख दिया था ताकि ये थोड़ा सा गीला हो जाए, थोड़ा वार्म हो जाए. और अब मैं इसको डालूँगी अपने फेस में ऐसे, और इसको मैं लगभग 5 मिनट तक अपने फेस पर रखूँगी. सो मैंने अपने फेस को गर्म टॉवल से ऐसे कर दिया था, स्टीम ले ली है मैंने अपने फेस में. आप चाहे तो डायरेक्टली आप स्टीम भी ले सकते हैं. मैंने टॉवल से थोड़ी सी स्टीम ले ली 5 मिनट्स के लिए. और अब मैं इसको अप्लाई करूँगी अपने फेस पे. जिस एरिया में आपके बाल होंगे आपको वहाँ पे नहीं लगाना है. इसकी खुशबू तो थोड़ी मिंट जैसी खुशबू है इसकी, काफ़ी अच्छी फ्रेग्रेंस है. क्योंकि इसमें कोई भी बाल नहीं आना चाहिए. थोड़ा मैसी है इससे काम करना, बट देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा आता है. आईब्रोज पे नहीं लगाना है, इसको मैं हटा लूँगी अभी. वाओ, ठंडा ठंडा सा लग रहा है फेस पे. तो ये मैंने अपने फेस पे लगा लिया है अच्छे से, और अब मैं इसको रहने दूँगी लगभग 20 मिनट के लिए, ताकि जब तक ये सूख नहीं जाता उसको प्रॉपरली अच्छे से सुखाना है. और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसका रिज़ल्ट क्या रहा और ये निकलने में कैसा है, पील ऑफ इजीली होता है या नहीं होता है. तो आपने अपने फेस पे जो इसकी परत लगानी है वो थोड़ी मोटी लगानी है, ऐसे नहीं कि बहुत पतली लगानी, क्योंकि आप जब उसको निकालेंगे तो फिर वो ईजिली निकलेगी नहीं. तो अन ईवन नहीं होना चाहिए, इवनली आपको सारे फेस पे लगाना है, आपके सारे फेस के पार्ट में. आपको अपने आईब्रोज वाले एरिया में नहीं लगाना, आंखों के आसपास नहीं लगाना है.
ये थोड़ा सा फेस में जलन सी कर रहा है एक्चुअली, पता नहीं जलन हो रही है, ठंडक सी हो रही है बहुत ज़्यादा। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो फिर मैं आपको एक चीज़ ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप इसको अपने एक बार पैच टेस्ट ज़रूर कर लीजिएगा, सो दैट आपको पता चल जाए कि आपके स्किन को ये हार्म तो नहीं कर रहा कुछ। सो अब मैं आपके पास आती हूँ 20 मिनट के बाद। सो मेरी स्किन अब हो चुकी है ड्राई, ये पूरा जो पील ऑफ मास्क था ये अब सूख चुका है और अब मैं इसको निकालूंगी। इसको सूखने में थोड़ा टाइम लगा, मैंने थोड़ा सा निकाल दिया था ऑलरेडी। एंड मैंने लगभग सारा अपना ये फेस मास्क निकाल लिया है और इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको थोड़ा लाइट में दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे कैसे छोटे छोटे बाल, ब्लैक हेड्स कैसे निकले हैं, देखिए। मतलब आपकी स्किन के छोटे छोटे से बाल होंगे वो भी निकल जाएंगे, देखो। सो अब मैं अपने फेस में जो मेरे थोड़े बहुत रह गए थे मैं वो सारा क्लीन करके आपको दिखाती हूँ कि मेरा फेस कैसा हो गया है। सो या मैंने अपना फेस कर लिया है वॉश और काफ़ी अच्छा मुझे रिजल्ट इसका मिला है। मतलब इसको निकालने में थोड़ी सी हाँ ये है प्रॉब्लम तो हुई थी ऑब्वियसली, क्योंकि ये आपके स्किन के जो बाल होते छोटे छोटे से उनको जब ये खींचेगा तो फिर आप तो मतलब जो उसकी रूट होती है उसको पूरा खींचता है तो थोड़ा बहुत आपको दर्द होगा। बट हाँ ये है कि आप जितना थ्रेडिंग और अपर लिप बनाते हैं उतना पेन नहीं होगा, बट थोड़ा बहुत पेन होगा इससे आपकी स्किन जब खींचेगी। बट आपके फेस से टोटली जो आपके फेस में आपके जो ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स होंगे वो सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे। और आप ज़रूरी नहीं है कि आप इसको अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं, आप इसको अपने हाथों में भी अप्लाई कर सकते हैं इफ़ यू वांट। और मतलब मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है इसका, काफ़ी स्मूथ एंड बिल्कुल सिल्की सी मेरी स्किन हो गई है। अब मैं इसके ऊपर मॉइस्चराइजर लगाऊंगी तो और अच्छा सा मतलब एक ग्लो आएगा फेस पे। अभी मैंने सिर्फ फेस को वॉश करा है और मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, सब देख सकते हैं। सो ओवरऑल अगर इस प्राइस में इसकी बात करी जाए पील ऑफ मास्क की तो काफ़ी अच्छा है। 40 रुपीज़ का मुझे पाउच मिला था जो काफ़ी चीप है एज़ कम्पेयर टू अदर पील ऑफ मास्क, तो मुझे अच्छा लगा। मैंने फ़र्स्ट टाइम इसको यूज़ करा है तो मैं इसको ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप लोगों को अगर ये आपके लोकल मार्केट में मिलता है तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। ट्राई करने से पहले आप एक छोटा सा पैच टेस्ट कर सकते हैं सो दैट अगर आपको कोई एलर्जी हो तो फिर आप इसको यूज़ ना करें। अदरवाइज मुझे तो ऐसा कुछ लगा नहीं, इसको अप्लाई करने के बाद काफ़ी ज़्यादा कूलिंग सेंसेशन सा फेस पे हो रहा था, काफ़ी ठंडा ठंडा सा लग रहा था, बहुत अच्छा था। उसकी मेरे को फ्रेग्रेंस काफ़ी अच्छी लगी, मिंट का बिल्कुल उसमें जैसे खुशबू, जैसे मिंट ही इसमें घोल रखी हो तो कुछ मिंट जैसा ही खुशबू थी और वैसी ठंडक तो मिल ही रही थी फेस पे। तो गर्मियों का टाइम है, आप अपने फेस पे इसको लगाइए, आपको उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा लगेगा। क्योंकि गर्मियों में हमारे फेस में काफ़ी ज़्यादा ऑयल हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा ऑयली स्किन हमारी हो जाती है। सो गर्मियों के लिए तो आई मस्ट से कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। वीक में आप इसको 2 से 3 बार यूज़ कर सकते हैं, सो इट्स वेरी गुड फॉर मी। आप चाहे तो आप भी इसको परचेज़ कर सकते हैं, बहुत ही चीप है, आप एक बार अपने लोकल मार्केट में ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। नीचे है बेल आइकन, उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर मेरा सब्सक्रिप्शन का बटन अभी भी रेड है तो उसको दबा के कर दीजिए ग्रे कलर का, सो दैट मेरे फ्यूचर में आने वाली सारी वीडियोज़ आप तक पहुँचे। बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे लाइक्स और कमेंट्स करके बताइए। चलते हैं, बाय।